गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गणेश अवल। गाइस, इफ यू वांट कंटिन्यू स्टडी देन फॉलो अस। तो गाइस, आज की वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री में अभिक्रिया की कोटि पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कितने टाइप की होती है, ये सब को टाइप हम पढ़ेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं को आज हम फिनिश करेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है ना। तो देखते हैं हम हमारी जो अभिक्रिया की कोटि है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये क्या होती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक रिएक्शन को समझो। तो इसके लिए हमने मान लिया, माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। ये मान लिया, और ये रिएक्शन हम मान लेते हैं, ये ए बी और ये सी, ये तीन अभिकारक हैं, और यहां पर कोई बन रहा है प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये तीन अभिकारक हैं, इनके सांद्रण में हम परिवर्तन मानते हैं P है, इसके सांद्रण में परिवर्तन Q है, और इसके सांद्रण में परिवर्तन क्या मान लिया हमने? R। तो इसमें, इस अभिक्रिया में यदि हम गुलबर्ग और बागे का द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएं तो क्या होगा, आप देखते हैं ना। तो हम यहां लिख देंगे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। किसके नियम से? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। और ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम किसका है? गुलबर्ग और बागे का। तो जब हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाते हैं तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारकों के सांद्रण के कैसी होती है? गुणनफल के समानुपाती होती है। इसके पहले हमने आपको बता भी दिया है, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे तो ये अभिक्रिया की दर हो गई dx अपॉन dt। ये किसके समानुपाती होती है? अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण। अब यहां पर हमें आप ये बताइए, अभिकारक क्या है? a b और c है, तो इनके सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगी, अर्थात a का सांद्रण हो गया, ये b का सांद्रण हो गया, और ये हो गया c का सांद्रण, इनके गुणनफल के समानुपाती। अब एक बात और ध्यान देनी है, अब यदि इन अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है तो जो सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है वो इनकी घातों के रूप में आ जाता है। तो यहां पर a के सांद्रण में p परिवर्तन हो रहा है तो p घात के रूप में आ जाएगा, b के सांद्रण में q परिवर्तन हो रहा है तो ये घात के रूप में आ जाएगा, है ना, और c के सांद्रण में r परिवर्तन हो रहा है तो ये भी घात के रूप में आ जाएगा। तो इस टाइप से ये हमारा हुआ द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो अब आप समझिए कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो क्या होती है, सुनना आप ध्यान से। तो जो किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो उन समस्त घातों का योग होती है जो दर नियम समीकरण में, अब ये दर नियम समीकरण है, इस दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाई जाती हैं। क्या बोला उसने? जो अभिक्रिया की कोटि होती है उन समस्त घातों का योग होती है जो दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाई जाती हैं। तो यहां पर सांद्रण पदों पर P लगा है, यहां पर Q लगा है, और यहां पर क्या लगा है? R। तो इन तीनों का जो योग आएगा वो आएगा अभिक्रिया की कोटि। तो जो अभिक्रिया की कोटि है उसको हम N से व्यक्त करते हैं, और इस अभिक्रिया में यदि वो निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? P प्लस Q और प्लस R। तो ये अभिक्रिया की क्या है? कोटि है। ये अभिक्रिया की क्या है? कोटि। तो हमेशा आपको याद रखना है, अभिक्रिया की कोटि सभी घातों का क्या होती है? योग होती है। ये हमारी पहली परिभाषा हुई, एक परिभाषा। अभी आपको ये याद परिभाषा नहीं रखनी तो मैं आपको दूसरी परिभाषा बताता हूं। तो दूसरी परिभाषा इसकी क्या है उसको आप समझो।
तो जो किसी भी जो अभिक्रिया है या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि होती है, किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया की कोटि होती है, उन समस्त अणुओं, परमाणुओं एवं जो आयन होते हैं उनकी संख्या होती है। अब उनकी कौन सी संख्या होती है वो समझो, तो उनकी वह संख्या होती है जिनके सांद्रण पदों में परिवर्तन होता है। जिनके सांद्रण पदों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो एक बार फिर से सुन लो इसकी परिभाषा क्या हो रही है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन समस्त अणुओं, परमाणुओं एवं आयनों की संख्या होती है जिनके सांद्रण पदों में परिवर्तन अभिक्रिया के दौरान होता है। अब इसको उदाहरण से समझिए। मान लेते हैं ये अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया में ए के सांद्रण में भी परिवर्तन हो रहा है, बी के सांद्रण में भी परिवर्तन हो रहा है, सी के सांद्रण में भी परिवर्तन हो रहा है, मतलब तीनों के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। तो इसकी जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो कितनी होगी? तीन होगी। कितनी होगी? तीन होगी। अब मान लेते हैं कि यहां पर ए और बी के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, अब सी के सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो यहां पर जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो दो होगी, क्योंकि दो अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। अब यहां पर मान लेते हैं अब जो बी है उसके सांद्रण में भी परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल ए के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, तो इसकी जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो एक होगी। क्या होगी? एक होगी। तो आपको ध्यान रखना है जितने अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन होगा अभिक्रिया की कोटि वही होगी। ये हमारी दूसरी परिभाषा है। इसके बाद ये आपको एग्जाम के लिए लिखने के लिए बता रहा हूं। यदि आप लिखोगे तो जो परिभाषा आप एक कोई सी लिखना है और फिर आपको लिखना है माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, ठीक है, और ये आपको मान लेना है। द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लगा दोगे तो ये सब आ जाएगा और एन बराबर आ जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिखना है। अब हम ये देखते हैं कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, वो कितने प्रकार की होती है। तो आइए इसको हम समझते हैं। जो अभिक्रिया की कोटि होती है ये अभिक्रिया की कोटि चार प्रकार की होती है। अब पहली है शून्य कोटि की अभिक्रिया, दूसरी है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तीसरी है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और चौथी है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की क्या होती है, द्वितीय कोटि की क्या होती है, इनको हम सबको पढ़ते हैं उदाहरण सहित। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सॉरी शून्य कोटि की अभिक्रिया, सॉरी शून्य कोटि की अभिक्रिया को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो अब आप समझिए कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो हमें वैसे भी नाम से समझ में आ रहा है अभिक्रिया की जो कोटि है हमने उसको पढ़ के रखा है कि जो अभिक्रिया में जितने अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन होता है वह अभिक्रिया की कोटि होती है। अब यहां पर शून्य कोटि की है तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी वो एक ऐसी अभिक्रिया होगी जिनमें अभिकारकों के सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में एक भी अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आपको याद रखना है इसकी परिभाषा। अब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होगी, इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो उसको आप समझिए। तो इसके लिए सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, या जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसका हम व्यंजक स्थापित करते हैं, है ना। तो परिभाषा तो आप लिख लोगे इसकी, है ना। तो अब इसके लिए अपन मान लेंगे, यहां पर हम लिखेंगे माना कोई रासायनिक अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न
हो रही है, ये आप लिखोगे। और ये मान लेंगे ये कोई अभिक्रिया है और यहां पर ये कोई बन रहा है प्रोडक्ट, क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद इसमें हम जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम होता है, वो द्रव्यानुपाती क्रिया का हम इसमें नियम लगाएंगे। तो इसमें नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर, अब हम डायरेक्ट लगाएंगे, यहाँ पर जो समानुपाती का चिन्ह आता है उसको नहीं लिखेंगे, समानुपाती का चिन्ह आता है उसके बाद जो नियतांक आता है उसको लगाते हैं ना, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे dx अपॉन dt और ये k। इसके बाद हमारा क्या आता है, सांद्रण, यहाँ पर सांद्रण क्या है, ए है, तो हमने लिख दिया ए। अब ये जो अभिक्रिया है वो शून्य कोटि की है, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया है मतलब इसके जो सांद्रण पदों में जो परिवर्तन है वो क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन तो इसमें हो ही नहीं रहा, तो इसकी जो घात है वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि जितना सांद्रण में परिवर्तन हो रहा होता है उतना हम घात में लिखते हैं, तो इसके सांद्रण में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा तो हमने लिख दिया जीरो, ठीक है। अब आप थोड़ा सा और समझो, अब यहां पर ये dx अपॉन dt आ गया, dx अपॉन क्या आ गया, dt आ गया, तो यहां पर क्या आ गया, ये k आ गया, ठीक है, क्योंकि जो a की पावर जीरो है उस a की पावर जीरो का मान क्या होता है, वन, अब यहां वन रखेंगे तो क्या आ जाएगा, k, तो ये हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, व्यंजक, मतलब dx अपॉन dt बराबर क्या है, k आ गया, dx अपॉन dt बराबर k आ गया। यह स्टोरी थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा हम इसको कम कर देते हैं, लेकिन हमें तो इसमें क्या निकालनी है, अभिक्रिया की कोटि निकालनी है, क्या निकालनी है, अभिक्रिया की कोटि, तो यहाँ थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया था, उसको मैंने पीछे कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे कोटि निकालनी है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, आप बताओ अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जितनी जो घात चढ़ी होती है, मैंने पहली बारी भाषा में आपको बताया था, जो घात होती है सांद्रण पदों पर, जो घात चढ़ी होती है वही होती है ना अभिक्रिया की कोटि, तो यहां पर जो अभिक्रिया की कोटि क्या आनी चाहिए, आप बताओ, तो यहां पर घात कितनी है, जीरो है, तो यहां पर कोटि कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, तो आपका ये इसका ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक हुआ। अब आप क्या करोगे, इसके एग्जाम्पल लिखना है, तो एग्जाम्पल आप समझो थोड़ा सा, अब एग्जाम्पल इसके समझ लेते हैं, तो मान लेते हैं ये कोई N2O है, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है, ये नाइट्रस ऑक्साइड, अब ये नाइट्रस ऑक्साइड को हम गर्म कर दें या फिर इस नाइट्रस ऑक्साइड का अपघटन हो जाए, तो ये अपघटन होगा तो ये किस में होगा, N2 में, और किस में होगा, O2 में, N2 में और किस में होगा, O2 में होगा, आप समझ रहे हो ना, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब यहां पर इसको बैलेंस करना है तो इसमें हम क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे, ठीक है। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड है, आप खुद समझ रहे हो, नाइट्रस ऑक्साइड गैस अवस्था में होगा, और जो नाइट्रोजन है वो भी कौन सी अवस्था में होती है, गैस, और जो ऑक्सीजन है वो भी गैस अवस्था में होती है, तो आप इस अभिक्रिया में देखो इनके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है क्या, इनके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा। आप बोलोगे सर सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा, आप उसको कैसे पहचाने, तो आप थोड़ा सा समझो, आपने हमारे अपने घर में देखा होगा, कभी कढ़ी बनते भी देखा होगा, कभी मठा बनते भी देखा होगा, तो आप ये बताओ मठा और कढ़ी, मठा और जो कढ़ी है उसमें से सांद्रण किसका अधिक हुआ, किसका अधिक हुआ, आप बताओ, तो आप बोलोगे सर कढ़ी का सांद्रण अधिक है, क्योंकि कढ़ी जो है ना वो गाढ़ी होती है और जो मठा होता है वो पतला होता है ना। तो सीधी सी बात हमारी कहने की है कि जब सांद्रण में परिवर्तन होता है तो जो गैस है वो गैस ठोस में बदल जाएगी या फिर द्रव में बदल जाएगी, बदलेगी क्या, बदलेगी बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार यदि सांद्रण में परिवर्तन होगा तो जो ठोस है वो गैस में बदल जाएगा या द्रव में बदल जाएगा, बदलेगा क्या, हाँ बदलेगा। उसी प्रकार जो द्रव है उसके सांद्रण में परिवर्तन हो जाए वो भी गैस में परिवर्तित हो सकता है या ठोस में परिवर्तित हो सकता है ना। तो जब सीधी सी बात आपको याद रखना है कि जब सांद्रण में परिवर्तन होगा तो ये अवस्थाएं है ना, ये अवस्थाएं भी आपस में परिवर्तित हो जाएंगी, ये अवस्थाएं भी आपस में क्या होंगी, परिवर्तित होंगी।
लेकिन आप देखो यहां पर ये गैस है, यहां पर भी ये गैस है, यहां पर भी ये गैस है, इनके सांद्रण में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं ना। तो यहां पर सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसकी जो अभिक्रिया की कोटि आएगी वो अभिक्रिया की कोटि क्या आएगी, आप ये बताओ। तो पहले आप इसमें क्या लगा दो, दर नियम लगा दो। क्या लगा दो? दर नियम। तो क्या हो जाएगा हमारा ये dx अपॉन dt बराबर k। अब अभिकारक, अभिकारक क्या है हमारा? N2O। तो लिख दिया हमने N2O। अब इसके सांद्रण पदों में परिवर्तन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी, है ना। अब यहां पर जीरो आ गई, तो यहां पर जो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, वो जीरो ही तो आएगी। बोलो आएगी क्या? हाँ। इसके बाद ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ शून्य कोटि की अभिक्रिया का। यदि आप दूसरा एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो उसको भी समझो। जैसे मान लेते हैं ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ये हमारा पहला हुआ था, ठीक है। ये अमोनिया है, क्या है ये? अमोनिया। आपको पता ही है अमोनिया गैस अवस्था में होती है। अब ये अमोनिया का यदि विघटन हो जाए तो क्या प्राप्त होगा आपको? N2 और H2 प्राप्त होगा। N2 और क्या प्राप्त होगा? H2। तो यहां पर आप देख रहे हो जो N2 है वो भी गैस अवस्था में है, और जो H2 है वह भी गैस अवस्था में है। तो यहां पर ये तीनों गैस अवस्थाओं में है, तो क्या इनके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो इनके सांद्रण में परिवर्तन क्या है? शून्य है। सांद्रण में परिवर्तन क्या है? शून्य है। तो यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो अभिक्रिया की कोटि जो क्या है वो क्या होगी? शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी, है ना। लेकिन आपको पूरा नियम लगा के लिख दो, धन नियम लगाएंगे तो dx अपॉन dt, यहाँ पर k, और यहाँ पर अभिकारक क्या है? NH3। तो NH3 लिख दिया। अब इसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा ना, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी, है ना। तो जो घात होती है, जो पावर होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि। तो यहां पर घात क्या है? जीरो है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या आने वाली है? जीरो आने वाली है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हुए, ये हमारी पूरी शून्य कोटि की अभिक्रिया हुई, ये इसका व्यंजक हुआ और ये इसका एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, पहले शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसका आपको परिभाषा लिखनी है, फिर माना लिखना है, और ये सब ये एग्जाम्पल वगैरह ये पूरा सब समझाना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पहले तो आप डेफिनेशन बताइए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो क्या बताओगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में एक अभिकारक की सांद्रण में परिवर्तन होता है, उसे बोलेंगे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में एक अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये आपकी परिभाषा हो गई। इसके बाद आप व्यंजक लिखोगे इसका, तो लिखोगे मानक कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई अभिक्रिया को मान लेंगे। यहां पर हमने मान लिया ये कोई अभिक्रिया है, ठीक है। इसके सांद्रण पद में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि ये प्रथम कोटि के लिए मान लिया है, मान लेके चल रहे हैं। तो यहां पर कोई बन रहा है प्रोडक्ट, क्या बन रहा है? प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इसमें हम दर नियम लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा dx अपॉन dt बराबर k, और a की पावर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। अब यहां पर हमने प्रथम कोटि के लिए चल रहे हैं, तो प्रथम कोटि के लिए चल रहे हैं तो सांद्रण में परिवर्तन तो होगा। यहां पर एक अभिकारक है तो एक ही अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हम मान के चल रहे हैं, तो इसकी पावर क्या मान लेंगे अपन? 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पर अब हम यहाँ पर n का मान निकालें, तो n का मान क्या कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जो दर नियम समीकरण में जो घात होती है उसे ही हम बोलते हैं ना अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। तो ये इसका हुआ व्यंजक। अब आप इसका एग्जाम्पल समझो, इसका एग्जाम्पल तो ये हाइड्रोजन परोक्साइड है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये हाइड्रोजन परोक्साइड है। आपको हमेशा याद रखना है जो H2O2 होता है वो हाइड्रोजन परोक्साइड होता है। अब इस H2O2 को हम गर्म कर दें, क्या कर दें? गर्म कर दें। तो ये गर्म करेंगे तो ये H2O2 है जो H2O और O2 में परिवर्तित हो जाता है।
अब H2 और O2 में परिवर्तित हो जाते हैं, इसको बैलेंस कर दिया तो 1/2 लगा दिया, ये संतुलित हो गया। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन परोक्साइड होता है वो तो होता है लिक्विड, मतलब द्रव अवस्था में होता है, और जल हमें पता ही है जल भी लिक्विड अवस्था में होता ही होता है मेनली। ठीक है, अब यहां पर O2 है, उस O2 क्या गैस अवस्था में है, जो O2 है सॉरी O2 क्या लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, नहीं ना, O2 तो गैस अवस्था में होता है तो ये हमने गैस अवस्था में रखा। तो आप हमें ये बताओ, ये लिक्विड था, ये लिक्विड था, और यहां पर हमें एक गैस भी प्राप्त हुआ है, एक गैस भी प्राप्त हुआ है ना, तो आप हमें ये बताओ कि यहां पर इसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ कि नहीं। तो आप कहोगे सर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये तो लिक्विड था, अब गैस ये कहां से आया, गैस नहीं बनना चाहिए था अगर इसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं हुआ तो, गैस नहीं बनना था लेकिन गैस बना, मतलब इसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ। अब ये कितने हैं अभिकारक, कितने हैं, एक है ना, तो इसके सांद्रण पदों में जो परिवर्तन है वो इसके ही हुआ होगा ना, एक ही अभिकारक के सांद्रण पदों में परिवर्तन हुआ होगा ना, तो होगा तो एक है ना, तो इसमें दर नियम समीकरण लगा देंगे तो dx/dt = k। अब ये H2 और ये O2, अब H2O2 की पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ है और एक ही अभिकारक है तो एक ही अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हुआ तो पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यदि हम यहां से n का मान निकालें तो n का मान कितना आएगा, यहां पर 1 आएगा, अब वो क्यों आएगा, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1 है, तो ये आ गया 1। तो ये हमारा प्रथम कोटि का एग्जाम्पल हो गया। अब इसके यदि हम दूसरी एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल आप सुनिए, मान लेते हैं ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ये है हमारे पास C2H5Cl, ये है एथिल क्लोराइड, क्या है ये, एथिल क्लोराइड। अब इस एथिल क्लोराइड को, इस एथिल क्लोराइड को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं इसको, यदि हम गर्म करेंगे, ये लिक्विड अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में, आपको पहले ध्यान रखना है, तो इसको हम जब गर्म करेंगे तो यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा एथीन, क्या प्राप्त हो जाएगा, एथीन, मतलब C2H4 प्राप्त हो जाएगा, एक एथीन प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इसमें से अब देखो एक H बचा और Cl बचा, तो ये बना लेंगे HCl, और जो HCl है वो गैस अवस्था में बाहर निकल जाएगा, कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में, तो ये गैस अवस्था में है और जो एथीन है वो लिक्विड अवस्था में होती है, कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। तो आप ये बताओ कि इसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ कि नहीं, तो आप बोलोगे हुआ, क्यों, क्योंकि ये तो सर लिक्विड था और वापस यहाँ पर गैस भी बना है, एक एक पदार्थ गैस भी बना है और एक लिक्विड है, मतलब इसके सांद्रण में परिवर्तन तो हुआ है, तब तो ये गैस बना ना, तो ये गैस में परिवर्तित हुआ, मतलब इसके सांद्रण में परिवर्तन है, तो इसमें हम दर नियम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, dx/dt = k, C2H5Cl, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी पावर, 1 आ जाएगी, क्योंकि इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है और अभिकारक एक ही है तो एक ही सांद्रण में परिवर्तन होगा, तो पावर क्या जाएगी, 1। तो यहां से हम कोटि निकालेंगे तो कोटि हमारी क्या आ गई, 1 आ गई, कोटि हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। तो आई होप आपको ध्यान रखना है, तो आई होप ये कि आपको ये पूरा सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया है हमारी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया मतलब यहाँ पर दो अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा होगा, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, सबसे पहले आपको परिभाषा को पहचानना है, तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में दो अभिकारक अणुओं के सांद्रण में परिवर्तन होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका हम व्यंजक करेंगे, तो माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, और मान लेंगे हम यहाँ पर ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो हमें दो अभिकारक अणु यहाँ पर लेकर चलने पड़ेंगे, तो मान लिया हमने एक अभिकारक अणु ए है और दूसरा अभिकारक अणु बी है, ये आपस में क्रिया कर रहे हैं और कोई बन रहा है प्रोडक्ट, कोई बन रहा है प्रोडक्ट।
तो इसमें हम दर नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर k। यहां पर दो अभिकारक हैं और दोनों के सांद्रण में हम परिवर्तन होता हुआ मान रहे हैं, ठीक है। तो ये a हो गया, इसके सांद्रण में परिवर्तन है तो इसकी पावर बना जाएगी। यहां पर ये b हो गया, इसके सांद्रण में परिवर्तन है तो यहां पर हम इसको वन मान लेंगे, ठीक है। अब दोनों के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसका है तो एक और इसका है तो एक, है ना। अब यहां पर हमें क्या निकालनी है, अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। तो जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो क्या होती है, सांद्रण पदों पर जो घातें होती हैं उनका योग होती है। अब यहां पर देखो, इसके सांद्रण में एक की घात है तो एक कर दिया, अब इसके सांद्रण में कितने की घात है, एक की घात है तो प्लस हमने क्या कर दिया, एक। तो यहां पर दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, दो। तो मतलब एन बराबर क्या आ गया, दो। मतलब यहां पर जो अभिक्रिया की कोटि है वो कितनी है, दो है। अभिक्रिया की कोटि कितनी है, दो है, इसलिए यह द्वितीय कोटि की क्या है, अभिक्रिया है। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल नंबर एक देखते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई H2 है और ये कोई I2 है। ये H2 और I2 जब आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है 2HI। अब ये 2HI जो है ना वो लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में, ठीक है। तो हमें ये 2HI प्राप्त हो जाता है। तो अब हमें आप यहाँ बताओ कि जो एच है, H2 है वो तो गैस अवस्था में है और जो I2 है वो भी गैस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। तो ये तो दोनों गैस अवस्था में थे, लेकिन ये कौन सी अवस्था में आया, द्रव अवस्था में आया, लिक्विड अवस्था में आया। मतलब यहां से यहां तक जो आया है तो उसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ होगा, हुआ होगा ना, सांद्रण में परिवर्तन हुआ है तब तो ये लिक्विड में आया, और सांद्रण में परिवर्तन इन दोनों के हुआ, इसके भी और इसके भी। तो इसमें हम दर नियम लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा dx अपॉन dt बराबर k। अब यहां पर क्या जाएगा, h2 आ जाएगा। अब इसकी पावर, इसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। अब दूसरा हमारा क्या है, i2 है। अब इसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ तो इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, ठीक है। तो जो अभिक्रिया की कोटि होती है दोनों का योग होती है, तो वन प्लस वन क्या हो गया, टू। मतलब जो अभिक्रिया की कोटि है वो हमारी कितनी आई है, दो आई है। कितनी आई है, दो, है ना। अभिक्रिया की कोटि कितनी है, दो, ठीक है। तो ये हमारी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हुई। अब इसके बाद आपको तृतीय कोटि की अभिक्रिया आएगी। कौन सी कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो जो तृतीय कोटि की अभिक्रिया है उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जैसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं तृतीय कोटि, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में तीन अभिकारक अणुओं के सांद्रण में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाएगी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तृतीय कोटि की अभिक्रिया आप परिभाषा लिख लोगे। अब इसका व्यंजक लिखोगे तो क्या लिखोगे, मानक कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। तो यहां पर हमें कितने अभिकारक अणु लेने पड़ेंगे, तीन। तो एक ए ले लेंगे, बी ले लेंगे और सी ले लेंगे, कोई बन रहा है प्रोडक्ट, है ना। तो यहां पर हम दर नियम लगाएंगे तो ये के ए के लिए आ गया, बी के लिए आ गया, आप सी के लिए अलग से लिख दोगे तो ये हमने सी के लिए लिख दिया, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जो अभिक्रिया की कोटि होती है घातों का योग होती है, तो यहां पर वन वन तीन बार जुड़ेगा तो वन प्लस वन प्लस वन, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, तीन। इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी आ जाएगी, तीन आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो आप पूरा व्यंजक कर लोगे। इसके बाद जो होमवर्क है वो आपका होमवर्क में है, जो एग्जाम्पल है वो आपका होमवर्क में है। आपको एग्जाम्पल कोई दो लिखकर मुझे बताने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमने होमवर्क कर लिया, और कौन सा एग्जाम्पल किया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, है ना। तो आई होप दोस्तों कि ये पूरा शब्द बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।